आज की राजनीति विज्ञान की क्लास में हम जो राजनीति विकास है उसकी विशेषताओं के बारे में अन्य विद्वानों या विचारकों ने क्या क्या विशेषताएं बताई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने राजनीति विकास क्या अर्थ परिभाषाएं लक्ष्य के बारे में देखा, जिसमें लूसिन पाई के अनुसार राजनीति विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उनके साथ सामंजस्य बिठाने और मिलाने की प्रक्रिया बताया। परिभाषा में हमने देखा कि राजनीति विकास की परिभाषाओं के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी है। जो लूसिन पाई है उसने अपने ग्रंथ दी एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। पाई ने राजनीतिक विकास के तीन लक्षण बताए थे, जिसमें समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण है। आज हम जो आमंड व पावेल है उसके अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताओं के ओर चलेंगे। तो जो आमंड व पावेल है उसने राजनीतिक विकास की तीन विशेषताएं या लक्षण बताए हैं, जिनमें पहला भूमि का विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्त और लोकीकरण। तो पहले पॉइंट में जो भूमि का विभिन्नीकरण है उसकी ओर चलते हैं हम। लूसिन पाई ने जहाँ संरचनात्मक विभिन्नीकरण की बात करता है, वहीं आमंड ने इसे भूमि का विभिन्नीकरण कहा है। अर्थात न सिर्फ रचनात्मक विभिन्नीकरण होना चाहिए, बल्कि जो संरचनाएँ हैं उनकी भूमियों के मध्य भी विभिन्नीकरण होना चाहिए। जैसे शक्तियों का शासन के तीनों अंगों में पूर्ण पृथक्करण, व्यवस्थापिका कानून निर्माण का ही कार्य करे और कार्यपालिका उसे क्रियान्वयन करे। सेकंड पॉइंट में उपव्यवस्था स्वायत्तता, जिसमें लूसिन पाई ने जहाँ जिसे क्षमता कहा है, वहीं आमंड ने इसे उपव्यवस्था स्वायत्तता कहा है। उपव्यवस्था स्वायत्त से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था में उपव्यवस्था को स्वायत्तता प्राप्ति से है। जो राजनीतिक तंत्र है उसमें राजनीतिक विकास के लिए शक्ति का विभिन्नीकरण होना चाहिए, जिससे एक व्यवस्था दूसरे व्यवस्था के कार्यों में दखल ना दे सके, बाधा उत्पन्न ना कर सके और दोनों स्वायत्तता या स्वतंत्रता पूर्वक रहकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर सके। तीसरा जो पॉइंट आता है वह लोकीकरण है। पाई जहाँ क्षमता कहता है जिसे, वहीं आमंड ने इसे लोकीकरण कहा है, जिसका संबंध संस्कृति से है। जो लोगों की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन आने से संबंध रखता है। अभिव्यक्तात्मक परिवर्तन समानता के साथ चलता है। इसके पश्चात हम सरल रूप में राजनीतिक विकास के लक्षणों की ओर देखें तो तीन लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें
समानता के प्रति लोगों का क्या या किस प्रकार का रचनात्मक रवैया है। दूसरा, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें नीतियों के निर्धारण और क्रियान्विति करने की क्या क्षमता है। तीसरा, एकतायुक्त दायरे में राजकार्यों का विविधीकरण और विशेषीकरण। अब हम जो हंटिंगटन है उसके अनुसार राजनीतिक विकास के क्या चरण हैं, क्या स्तर हैं और पतन के क्या है। तो जो हंटिंगटन है उसके अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक संगठन और क्रियाविधियों का संस्थापन है। उनका आग्रह है कि राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं स्वयं रचनाओं और आदर्शों के एक ऐसे जटिल सहमिश्रण का रूप ले ले जो राजनीतिक व्यवस्था और संपूर्ण जो समाज है वो दोनों को प्रभावित करे। इनके अनुसार जो राजनीतिक विकास है उसके तीन चरण या अवस्थाएं या लक्षण हैं, जिनमें पहला सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर है, जिसमें जो अनेक स्थानीय सत्ताएं हैं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो जाता है जो कि जन सहमति पर आधारित है। सेकंड पॉइंट, राजनीतिक कार्यों के विभिन्नीकरण में विशिष्टीकरण का स्तर, जिसमें राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण और उनके लिए विशिष्ट संरचनाओं का विकास। तीसरा पॉइंट में अभिवृद्धि सहभागिता का स्तर, जिसमें सामाजिक समूह और समाज के भागों को धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित करने का स्तर है। अंत में ये कहता है कि जब ये तीनों स्तर कौन कौन से, पहला सत्ता का बुद्धि संगतता का स्तर, दूसरा राजनीतिक कार्यों के विभिन्नीकरण में विशिष्टीकरण और तीसरा अभिवृद्धि सहभागिता का स्तर, ये तीनों क्रमबद्ध रूप में आते हैं तो क्या होगा, राजनीतिक विकास का विकास होगा। यदि ये क्रमबद्ध अवस्था में नहीं आएंगे तो इसका पतन होगा। पतन से बचाव के सुझाव में पहला आता है जन परियोजना की गतियों को धीरे करना, जिसमें परिसर में व्यक्तियों का केंद्र में आना, उनकी व्यवस्थाओं की पूर्ण आत्म साक्षरता के अनुसार ही है। दूसरा, संस्था का निर्माण। अगला, आमंड के अनुसार जो राजनीतिक विकास का स्तर या अवस्थाएं हैं उसमें यह राजनीतिक विकास के चार स्तर बताता है, जिनमें पहला राज्य निर्माण का स्तर, दूसरा राष्ट्र निर्माण का स्तर, तीसरा सहभागिता का स्तर और चौथा जो आता है वो है वितरण का स्तर। जो पहला पॉइंट है राज्य निर्माण का स्तर, इसमें केंद्रीय सरकार का निर्माण और विभिन्न समूहों का केंद्रीय सत्ता के अधिकार क्षेत्र में एकीकरण होना। सेकंड पॉइंट में राष्ट्र निर्माण का स्तर, जिसमें लोगों का एक ऐसा समूह जिसमें एकता की भावना होती है। तीसरा सहभागिता का स्तर,
जिसमें व्यक्तियों एवं समूह का राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक रूप से भागीदारी, जिसमें पद, प्रतिष्ठा इत्यादि आते हैं। चौथा पॉइंट में आता है वितरण का स्तर, जिसमें लाभों का विभिन्न विधियों द्वारा लोगों तक पहुंचाना है। इसके पश्चात हम जो ऑर्गेंसी है उसके अनुसार राजनीतिक विकास के क्या स्तर हैं, उसके पश्चात राजनीतिक विकास जो फंड है, विकास फंड की अवधारणा क्या है आदि के बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे।